दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा मिट के बारे में, एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जो सूचना है मनरेगा मिट के बारे में, तो मनरेगा मिट बनने के लिए क्या ग्राम प्रधान का प्रस्ताव जरूरी है? नंबर दो, क्या वेतन उठाने के लिए भी ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है? नंबर तीन, मनरेगा मिट का मानदेय कब से और कैसे मिलेगा? इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं और कुछ सेक्रेट भी मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। वो अपडेट देखकर आप लोग बेहद खुश होंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। और एक निवेदन आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनरेगा में कार्यरत महिला मिट कर्मचारियों को जो भी अवकाश मिलने की सुविधा है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बाकी कुछ एक मेरे भाई बहन कमेंट करते रहते हैं कि सर, अवकाश जब हम लेंगे तो क्या उसका मानदेय मिलेगा? तो मैं आपको इसके बारे में गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जब आप अवकाश पर होंगे तब भी आपको सरकार के द्वारा मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। मनरेगा कार्य के कुशल संचालन के लिए कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब बिना मानदेय में कटौती किए हुए त्योहारों में अवकाश मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने और मनरेगा कर्मियों के समस्त लेखा जोखा को व्यवस्थित ढंग से विभागीय स्तर पर पहुँचाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला मिट की तैनाती की गई है। इसके अलावा हाल ही में जारी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी संख्या में इजाफा करते हुए प्रदेश सरकार ने 25,000 महिला मिट कर्मचारियों की और तैनाती करने के निर्देश दे दिए हैं। इन पदों में काम करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मानदेय के रूप में प्रति माह 9,000 रुपए का मासिक वेतन भी दिया जाता है। लेकिन संविदा पर काम करने वाले इन उम्मीदवारों को अवकाश लेने पर वेतन नहीं दिया जा सकता था। लेकिन इसीलिए आज इस संबंध में कुछ खास जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, जो मनरेगा कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है। जैसा कि सरकार ने अवकाश से जुड़ी जानकारी को बिल्कुल सभी मनरेगा मिट के द्वारा संबोधन के तौर पर जारी कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा कार्य की देखरेख व मजदूरों का समस्त डेटा तैयार करने के जिम्मेदारी महिला मिट की होती है। ऐसे में एक ऐसी जिम्मेदारी भरा काम होता है, लेकिन संविदा पर कार्य करने की वजह से इन्हें अवकाश की समस्या फेस करनी पड़ती है। अगर कर्मी द्वारा अवकाश लिया भी जाता है तो उस दिन का वेतन कर्मचारी को नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उस अवकाश पर भी मानदेय दिए जाने का फैसला किया हुआ है। बाकी के महिला मिट पदों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का माह में निर्धारित अवकाश लेने पर वेतन कटौती नहीं होगी। इसके लिए जल्द ही एक माह में आएगी एचआर पॉलिसी लागू की जाने वाली है, जिसके तहत आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव भी आप 24 दिन और चिकित्सीय अवकाश आपको 12 दिन बड़े आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करूँगा इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी साझा किया हूँ मनरेगा मिट को लेकर, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मनरेगा मिट के वेतन का सवाल है, तो सरकार अभी तक बीसी सखी बहनों को भी मानदेय नहीं दे पा रही है। मनरेगा मिट को जो भी लिस्ट आई थी 13,000, उसमें से जो भी लोग चयनित हुए उनको एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हुए हुआ है, तो मानदेय के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यकीन मानिए, सरकार आपको जल्दी से जल्दी मानदेय देने का फैसला लेने वाली है। देने का फैसला क्या, जब आपको मानदेय दिए जाने का प्रावधान है तो सरकार आपको बढ़ा हुआ मानदेय भी देगी। बाकी मनरेगा मिट की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी, कई सारे भाई बहन इस तरीके का सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूँ मनरेगा की जब भी दूसरी लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च करा, ये नवंबर महीने तक आपको दूसरी लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि पहले लिस्ट के सभी मनरेगा मिट बहनों का भी नियुक्ति नहीं दिया जा पाए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें कि आप मनरेगा मिट और बीसी सखी दोनों जॉब एक साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप मनरेगा मिट और बीसी सखी दोनों जॉब संविदा पर हैं और एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी ग्राम पंचायत उसी ब्लॉक स्तर से जुड़े रहेंगे जहां से आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय है। तो यकीन मानिए, हमेशा आप एक ही नाव पर पैर रखें ताकि उस नाव का बड़े अच्छे से आप निर्वहन कर सकें, यानी एक ही काम कीजिए ताकि उस काम को आप बड़े अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको सरकार प्रोत्साहित भी करती रहे। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।